हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन लाइब्रेरी एडुकेटर चैनल। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। सो गाइस, जैसे कि आपको थंबनेल से आज पता चल ही गया होगा कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। गाइस, ये एक क्लासिफिकेशन स्कीम है जिससे लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसे हम DDC कहते हैं इन अ शॉर्ट फॉर्म, यानी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये सभी क्लासिफिकेशन स्कीम्स में बहुत ही पॉपुलर हैं इन ऑल ओवर वर्ल्ड। गाइस, सभी क्लासिफिकेशन स्कीम जैसे एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम, जैसे कि आप जानते हैं कि और भी क्लासिफिकेशन स्कीम को डेवलप किया गया, लेकिन DDC इज अ फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्कीम इन ऑल अवर वर्ल्ड। ओके गाइस, इसी तरह LCC है, UDC जो कि इसी का पार्ट है, SC यानी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन कॉलम क्लासिफिकेशन एंड एसेट्रा। ओके गाइस, सो DDC को गाइस सबसे पहले मेलविल डेवी ने डेवलप किया, जो कि उन्होंने 1873 में डेवलप किया, लेकिन इसका पब्लिकेशन 1976 में हुआ। गाइस, मेलविल डेवी कौन थे, उन्होंने लाइब्रेरी के लिए क्या काम किए हैं, इन सभी को हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारा मेलविल डेवी वाला सेशन नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। मेलविल डेवी को ही क्योंकि मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन फादर कहा जाता है, यानी आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता। ओके गाइस, अभी तक DDC के गाइस 23 एडिशंस आ चुके हैं। ओके, इसमें अब हम एडिशंस की अगर बात करें तो हमारा फर्स्ट एडिशन 1876 में आया, जिसके एडिटर मेलविल डेवी ही थे, यानी मेलविल डेवी ने खुद ही इस एडिशन को पब्लिश भी किया, बनाया भी। इस फर्स्ट एडिशन में हमारे 44 पेजेस है गाइस, 44 पेज। ओके, इसी के साथ हालांकि इसके अंदर 42 थे पहले, बाद में 2 ऐड किए गए एंड ये बन गए 44 पेजेस। गाइस, कई बार 42 भी ऑप्शन में होता है, इसीलिए ये आपको पहले ही बता दिया गया है कि पहले जब स्टार्टिंग में ये एडिशन पब्लिश हुआ था तो इसके अंदर 42 पेजेस थे, लेकिन बाद में इसके अंदर 2 पेजेस को और ऐड किया गया इन 1876। ओके गाइस, सो गाइस, ये है DDC के सभी एडिशंस। फर्स्ट एडिशन में एक ही वॉल्यूम था। हम देखते हैं कि फर्स्ट 215 एडिशंस में 1 वॉल्यूम है। ओके गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी DDC के एडिटर्स हैं। सो सेकंड एडिशन 1885 में पब्लिश हुआ, जो कि मेलविल डेवी एंड बिस्कॉय द्वारा पब्लिश किया गया। इसी तरह थर्ड एडिशन 1888 में, फोर्थ एडिशन 1891, फिफ्थ एडिशन 1894, सिक्स एडिशन गाइस 1899 में। अब यहाँ पे इसे पब्लिश कर रहे हैं E. May Seymour। ओके गाइस, E. May Seymour सिक्स एडिशन से लेकर टेंथ एडिशन तक पब्लिश किए। सेवेंथ एडिशन हमारा आया 1911 में, एट्थ एडिशन
इज 1913, 9th एडिशन 1915 एंड 10th एडिशन 1919. इसके बाद 11th एडिशन 1922 में जे डॉकॉस फेलोज द्वारा पब्लिश किया गया, यानी एडिटर इसके ये थे. गाइज आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा या जहाँ पे भी आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं वहाँ पे इन्हें लिख लीजिए. यहाँ पे यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. 12th एडिशन गाइज 27 में पब्लिश किया गया. 13th एडिशन 1932 में, 14th एडिशन 1942 में एंड 15th एडिशन 1951 में. गाइज 1 टू 15 एडिशन में वन ही वॉल्यूम है, यानी एक ही वॉल्यूम के अंदर पब्लिश किया गया है. तो ये थे हमारे 15 एडिशंस. अब हम बात करते हैं 16 एडिशन की. उससे पहले 15 एडिशन को भी गाइज रिवाइज किया गया है. इन केस आपसे कभी रिवाइज्ड एडिशन पूछे 15th एडिशन का, तो वो 1952 में गॉडफ्रे डेवी द्वारा रिवाइज्ड एडिशन पब्लिश किया गया है. ओके 16 एडिशन इज 1958. 16 एडिशन को 1958 में बेंजामिन ए कस्टर एंड डी हेकिन द्वारा पब्लिश किया गया. इसी तरह सेम एज 17 एडिशन 1965 में जिसे पब्लिश किया गया है. गाइज हमारे 16 एंड 17 एडिशन को 2 वॉल्यूम्स के अंदर पब्लिश किया गया है. सो गाइज इनके वॉल्यूम्स भी आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. ओके 2 वॉल्यूम्स गाइज वो कौन से थे? फर्स्ट इज इंडेक्स एंड सेकंड इज रिलेटिव इंडेक्स. ओके नेक्स्ट अब हम देखते हैं अपना 18th एडिशन. सो गाइस 18th एडिशन 1971 में पब्लिश किया गया, लेकिन अब 18th एडिशन में हमारे आ गए 3 वॉल्यूम्स, यानी अब 3 वॉल्यूम के अंदर 18th एडिशन को पब्लिश किया जाने लगा. एंड वो 3 वॉल्यूम गाइस कौन से थे? फर्स्ट थी हमारी टेबल, सेकंड इज शेड्यूल एंड थर्ड इज रिलेटिव इंडेक्स. अब इन 3 वॉल्यूम्स में DDC एडिशंस को पब्लिश किया जाने लगा. ओके और इसके एडिटर थे बेंजामिन ए कस्टर. 19th एडिशन को गाइस 1979 में पब्लिश किया गया एंड इसके भी एडिटर थे बेंजामिन ए कस्टर. नेक्स्ट इज हमारा 20th एडिशन जो कि 1989 में पब्लिश किया गया. गाइस ये 20th एडिशन हमारा अब हमारा गाइस 18th एंड 19th एडिशन तो हमारा ये 3 वॉल्यूम्स में है, लेकिन हमारा 20th एडिशन अब हमारा शुरू हुआ 4 वॉल्यूम्स के साथ, यानी अब इसमें एक वॉल्यूम और बढ़ा दिया गया. ओके गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 21 एडिशन की जो कि 1996 में पब्लिश हुआ. JP कॉम्ब्रोमी द्वारा इसे पब्लिश किया गया, इसके एडिटर थे. 22 एडिशन जो कि 2003 में पब्लिश किया गया एंड लास्ट इज 23 एडिशन जो कि गाइस अब तक का लेटेस्ट एडिशन हमारा है, जो कि 2011 में जे मिखेल इसके जिसके एडिटर हैं द्वारा इसे पब्लिश किया गया है. गाइस पब्लिश इसे 23 जो एडिशन है हमारा उसे OCLC द्वारा पब्लिश किया गया एंड जे मिखेल इसके एडिटर है. ओके गाइस तो ये थे 23 हमारे एडिशंस
जो कि DDC में अब तक पब्लिश हो चुके हैं, एंड 23 एडिशन इज़ द लेटेस्ट एडिशन ऑफ DDC। हालांकि गाइस हम अपने सिलेबस में जो एडिशन पढ़ते हैं वो हमारा 19th एडिशन है, जिसके हमारे 3 वॉल्यूम्स हैं। अब हम 19th एडिशन को नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे गाइस। यहाँ हमने DDC के एडिशंस का इंट्रोडक्शन कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम 19th एडिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस अगर आपको ये सेशन हमारा पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। साथ ही गाइस अपकमिंग वैकेंसीज़ को जानने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, एंड प्लीज़ गाइस डोंट हैव पर्सनल कमेंट्स, कोई भी पर्सनल कमेंट मत कीजिए या फिर किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे कमेंट मत कीजिए। हमारा अपना एक लाइब्रेरी एजुकेटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे डिस्कशन भी होता है, कमेंट बॉक्स वहाँ पे खुला हुआ है। आपको जो भी पूछना हो आप वहाँ पे कमेंट कीजिए, या अदर स्टूडेंट्स के पास कमेंट जा रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो मिलते हैं गाइज़ आपसे नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू गाइज़।